मानसिक पूजा जिसे करना हो तो आम्बचा करी मानस पूजा शर्त क्या है तजी हरि भजन काम नहीं दो या तजी हरि भजन काम नहीं दो। ये तीसरी साधना है मानस पूजा करना, मानसिक पूजा करना है तो आम वृक्ष के नीचे ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर करिए, वो भी सिद्ध हो जाएगा। तीन साधना हो गई और चौथी साधना भगवान की कथा कहां सुनना चाहिए, सब श्रोता बैठे हैं, भगवान की कथा कहां सुनना चाहिए। बट बट तर कही हरी कथा प्रसंगा बट तर कही हरी कथा प्रसंगा आवही सुन ही अनेक विहंगा आवही सुन अनेक विहंगा। वट वृक्ष के नीचे भगवान की कथा सुनना चाहिए। अब यहां आप लोग कहेंगे बाबा वट वृक्ष तो नहीं है, वट माने होता क्या है? अब इंग्लिश वाले तो कहेंगे लेकिन, अंग्रेजी वाले कहेंगे वट माने लेकिन। अच्छा बड़ा गजब का शब्द इंग्लिश का भी है, एक चीज आज तक नहीं समझ पाए हम कि पी यू पी पुट लेकिन बी यू पी बट माने अंग्रेजी में तो होगा महाराज लेकिन, लेकिन मानस में आइए बट माने क्या होता है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट माने विश्वास, और विश्वास कौन है? भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास उपड़ो, श्रद्धा विश्वास उपड़ो बंदे भवानी शंकर, यानी बट माने विश्वास, विश्वास माने शंकर, शंकर को हृदय में रख करके भगवान श्री राम की कथा हरि की कथा सुनिए, महाराज कृपा कैसे नहीं होगी। इसीलिए तो कहा गया जह लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी। तो ये चार साधन, चार साधना कर रहे काग शुक्ल जी महाराज। शंकर जी ने कहा यही मैंने देखा सुमेरु पर्वत पर, यही चार घाट हैं। चार घाट का मतलब थोड़ा समझ लीजिए क्या, जैसे हमारे आदरणीय श्रद्धेय पिता तुल्य पूज्यपाद हमारे शिक्षक गण बैठे हैं, पहले तालाब बनता था राजा महाराजा लोग या पहले के लोग जो बनवाते थे तो तालाब के चार किनारे होते हैं। श्री रामचरित मानस भी तालाब है, मानसरोवर है। चलो इसी व्यासपीठ को ही देख लीजिए, मानसरोवर है तालाब, इसके चार किनारे हैं। तो पहले व्यवहारिक तालाब के बारे में जान लीजिए, तब रामचरित मानस रूपी मानसरोवर रूपी तालाब के बारे में बताते हैं। व्यवहारिक तालाब क्या है? सांसारिक व्यवहारिक तालाब बनवाते हैं लोग तो तीन दिशाओं में सीढ़ी बनवा देते हैं। मान लीजिए पूर्व पश्चिम उत्तर तीन दिशाओं में सीढ़ी बनवा दिए, लेकिन दक्षिण दिशा में सपाट मिट्टी पटवा दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि तीन तरफ से सीढ़ी इसलिए बनवाई गई रमन साहब कि एक तरफ के सीढ़ी से कौन लोग उतर रहे हैं, दूसरी दिशा के सीढ़ी से कौन कैटेगरी के लोग उतर रहे हैं, तीसरी दिशा के सीढ़ी से किस कैटेगरी के लोग उतर रहे हैं। तो पहले सुनिए, मान लीजिए पूर्व दिशा में जो सीढ़ी बनी है उधर से किस प्रकार के लोग तालाब में आ रहे हैं। तालाब
को देखने के लिए आ रहे, चलो तालाब देखा जाए कितना सुंदर है। तो आए पूरब की तरफ से, सीढ़ी जो बनी है देखने, तो तालाब बड़ा सुंदर दिखा। मन में बात रखिएगा, यही अभी रामचरित मानस रूपी मानसरोवर रूपी तालाब में सिद्ध करना पड़ेगा। एक दिशा से सीढ़ी से लोग उतर करके आए सरोवर माने तालाब की सुंदरता देखने, पॉइंट नंबर एक। पश्चिम की दिशा से दूसरे कैटेगरी को लोग उतर रहे हैं कि तालाब तो सुंदर है लेकिन इस तालाब का जल कैसा होगा, चलो थोड़ा सा चख करके देखा जाए, पान किया जाए, ये जल कैसा हो सकता है, पॉइंट नंबर दो। तीसरी तरफ से जो सीढ़ी बनी है उत्तर दिशा से, उधर से लोग जो उतर रहे हैं किस कैटेगरी के हैं, वो लोग इस उद्देश्य से उतर रहे हैं कि तालाब सुंदर भी है, पानी का जल का पान किया गया तो जल स्वादिष्ट भी है, एक काम किया जाए, एक डुबकी लगाई जाए तब देखा जाए तालाब कैसा है स्नान करके। ये तीसरी कैटेगरी हो गई। और चौथी कैटेगरी जो दक्षिण दिशा से सपाट मिट्टी पटा है वो पशुओं के लिए बना है, क्योंकि पशुओं को सीढ़ी से उतरना और चढ़ना एक कठिनाई होगी। पूज्यपाद पद्म विभूषण युग तुलसी ब्रह्मलीन डॉक्टर श्री राम किंकर उपाध्याय जी की टोटल व्याख्या बोल रहे हैं इस समय, और मुझे गर्व है चैनल के माध्यम से कह रहे, मुझे गर्व है उपाध्याय ब्राह्मण होने में, पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय जी के ही वंशज गोत्र से हम आते हैं। भविष्य महापुराण में वर्णन आया है कि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण में पहला नंबर उपाध्याय का है। कुछ लोग इसको गलत तरीके से बताते हैं, ऐसा नहीं है। खैर, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं वो कौन है जो चौथी दिशा में पशु लोग उतर रहे हैं, क्योंकि पशु जो हैं वो सीढ़ी से उतरने में और चढ़ने में कठिनाई होगी, इसलिए पशुओं के लिए एक दिशा में सपाट बनाया गया, आराम से उतरें और जाकर के जल ग्रहण करें और फिर आराम से चले। अब ये चार घाट हो गया। अब इस चार घाट को जरा रामचरितमानस में लीजिए। अब आइए, भगवान शंकर और पार्वती के बीच के हृदय का उपज है श्री रामचरितमानस। रची महेश निज मानस राखा अपाई सो समय शिवासन भा। भगवान शंकर के हृदय की उपज है मानसरोवर श्री रामचरितमानस। मुझे नहीं लगता है कि ये रामचरितमानस के बाद इस कलिकाल में किसी और ग्रंथ की जरूरत पड़ने वाली है। नो, ये भी सुनिए, बहुत पॉइंटेड चीज है। अब आइए रामचरितमानस रूपी मानसरोवर रूपी तालाब में जो चार घाट हैं वही सेम है, बस कैटेगरी में कौन उतर रहा है मैं उसको बताना चाहता हूं। तो पूरब दिशा से तालाब में लोग उतरे थे सौंदर्य देखने के लिए। एकदम हमको देखिएगा, बात को सुनिएगा, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मर जाता था। हमारी यूपी में हम पढ़ रहे थे तो राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मर जाता था। एक बाल भर अगर दिमाग इधर से उधर गया तो बात भूल जाएंगे। पूरब दिशा से लोग किस उद्देश्य से उतरे थे सीढ़ी से, तालाब के सौंदर्य को देखने के लिए। तो रामचरितमानस में जो एक घाट से लोग उतर रहे हैं कि रामचरितमानस को हम देखें, ये रामचरितमानस रूपी जो मानसरोवर है, जो राम कथा है, ये कितना सुंदर है। तो जब राम कथा में उतरे विद्वान लोग राम कथा के सौंदर्य को देखने के लिए, तो राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय भी हम
गो रावण हारी संशय बिह गो रावण हारी संशय बिह गो रावण हारी। श्री राम कथा रूपी सरोवर में जब विद्वान बड़े बड़े जगत गुरु बड़े बड़े पीठाधीश्वर बड़े बड़े महाराज संत लोग उतरे कि देखें तो सही राम कथा कितनी सुंदर है, तो राम कथा इतनी सुंदर है कि जैसे ताली बजाने से पक्षियों का समूह उड़ जाता है, ऐसे ही राम कथा को स्वीकार करने से जीवन का संशय दूर हो जाए। पॉइंट नंबर एक। दूसरा पॉइंट, अब पश्चिम की दिशा से जो लोग उतर रहे हैं वो इसलिए उतरे कि देखे तालाब का जल पान अगर किया जाए, जल को चखा जाए तो कैसा लगता है। तो राम कथा में कुछ विद्वान, कुछ जगत गुरु, कुछ पीठाधीश्वर, बड़े बड़े संत महात्मा उतरे कि राम कथा तो इतनी सुंदर है कि संशय रूपी सारे पक्षी समाप्त हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। ये राम कथा को अगर पान किया जाए, हृदय से सुन करके इस कथा रूपी अमृत का पान किया जाए। अब कथा क्या है, राम कथा को अगर पान करें तो ये साधारण जल की तरह है या अमृत है। तो जब पान किया गया ना, संतों ने पान किया, विद्वानों ने पान किया, तो राम कथा क्या मिली उनको। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर नहीं कही पाना, संत चकोर नहीं पाना, संत चकोर नहीं पाना। इसी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राम कथा में जब उतरे कुछ लोग दूसरी दिशा से कि देखे चख कर देखा जाए, राम कथा का पान किया जाए ये क्या है, तो कहे राम कथा सस किरण समाना, राम कथा अमृत हमारा। लेकिन राम कथा अमृत है सर सत्य है, लेकिन सब पान नहीं कर सकते, भी सकते इतने लोग बैठे हैं ना। गंगा जल ग्रहण कर लेने से लोग कहते मुक्ति हो जाती है, और मेढक भी उसी में रहता है। राम कथा पान करने के लिए, राम कथा अमृत है, राम कथा अमृत को पान करने के लिए कौन सी कैटेगरी धारण करना पड़ेगा। संत चकोर करें जे पाना, संत बनना पड़ेगा तब पान कर पाएंगे राम कथा रूप को, क्योंकि राम कथा अमृत है। आगे वर्णन आएगा, भारद्वाज जैसे ज्ञानी ने राम के बारे में पूछा, राम कथा के बारे में पूछा, तो याज्ञवल्क जैसे विद्वान ने इनको राम कथा सुनाया नहीं बल्कि इनकी परीक्षा लिया, ये राम कथा सुनने के काबिल है या नहीं। इसीलिए ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कब कही शंकर जी ने, कही सब अधिकारी पाई। जब सुपात्र पाए, जब पात्रता थी अगस्त जी में, तब शंकर जी ने हरि की भक्ति दिया, अन्यथा नहीं देते। दो पॉइंट हो गया, राम कथा सुंदर है, राम कथा अमृत है। तीसरी दिशा से आए लोग, उत्तर की दिशा से, यानी कुछ विद्वान, कुछ जगत गुरु, पीठाधीश्वर, बड़े बड़े संत महात्मा राम कथा को देखे तो सौंदर्य को देखे, इतनी सुंदर कि महाराज सारे संशय दूर हो गए। पान किए तो पीकर अमर हो गए राम कथा को। और कुछ लोग इसमें स्नान करना चाहे कि राम कथा में बिल्कुल डूब करके स्नान किया जाए। राम कथा अमृत पान तो किया जा रहा है, बिल्कुल राम कथा में डूबा जाए। जब डूबे तो भव से पार हो गए। राम कथा वो है जब तीसरे प्रकार के संत महात्मा डूबे कि राम कथा क्या हो सकती है। भव सागर
जो पावा भवसागर चह पार जो पावा तो इराम कथा ताक है त्रेड़ना। अरे राम कथा ने पार कर दिया भवसागर से महाराज। ये तीन घाट हो गए, चौथा घाट कौन है? अब यही संभलना है मेरे प्रेमियों, मेरे विद्वानों, मेरे संतों, हे मेरे पूज्य, जितने लोग देख रहे हैं सबके श्री चरणों में दास का निवेदन है कि कुछ लोगों ने तो राम कथा के सौंदर्य को देखा, कुछ लोगों ने राम कथा का पान करके राम कथा के अमृत, तो राम कथा को अमृत के रूप में पान किया, कुछ लोगों ने राम कथा में डूब करके भवसागर को पार करने के लिए राम कथा को दृढ़ नौका के रूप में पा लिया। लेकिन वो कौन है जो इसी सरोवर में पशु बन कर आ रहे? पशुओं का स्वभाव है कि तालाब में एक तरफ से प्रवेश करेंगे तो दूसरी तरफ पार करते हुए निकल जाएंगे, ये पशुओं का स्वभाव है। तो कौन से विद्वान है, कौन से संत है, कौन से जगत गुरु है, कौन से पीठाधीश्वर है, या कौन है जिनको गोस्वामी जी ने पशु कह दिया? जो विद्वान, जो संत, जो महारथी, जो बड़े बड़े अमलात्मा, बिमलात्मा, संतात्मा, जो भी हो, जिसने अपने ज्ञान के अहंकार में आकर के, अपने ज्ञान के मद में आकर के ये कह दिया कि राम कथा रूपी गंगा को मैं अपने विद्वता के बल से पार कर दूंगा, उनको पशुओं की संज्ञा दी गई क्योंकि इसे कोई पार नहीं कर सकता। ये चार घाट, ये चार घाट है। कल आप लोगों सुना था ना, मेरे बाबा ने खुद लिखी है, मेरे शंकर ने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी शंकर ने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी खुद लिखी है, श्री राम की कहानी बाबा ने खुद लिखी है। बाबा ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, बाबा ने खुद लिखी है राम की कहानी, बाबा ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, है चार घाट इसमें, चार घाट इसमें बकता है चार ज्ञानी शंकर खुद लिखी, बकता है चार ज्ञानी बाबा ने खुद लिखी, श्री राम की कहानी बाबा ने खुद लिखी।
भक्ता बैठे है किनारे श्री राम की कहानी बाबा ने खुद लिखी श्री राम की कहानी बाबा ने खुद लिखी राम की कहानी बाबा ने खुद लिखी। तो चार घाट पर श्री राम कथा हो रही है। अब एक प्रश्न बहुत बढ़िया आता है, क्या हम किस घाट से अब कथा को आगे बढ़ाएं? भक्ति को भी सुनते रहिए, क्रम को भी आगे बढ़ाएं। श्री राम कथा किस घाट से प्रारंभ हो रही है? मैंने बताया था ना, श्री राम कथा की तीन परंपरा, श्री धाम अयोध्या, श्री काशी विश्वनाथ से, और राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारों तुलसी सुभग स्नेह बन जासी रघुबीर बिहार। श्री राम कथा कर्म घाट से शुरू होती है। चार घाट मैंने कल बताया था, ज्ञान घाट, भक्ति घाट, कर्म घाट और शरणागति घाट। एक बार बात को ताजी करें, कैलाश पर्वत के पन्नाग भाग में बट वृक्ष के नीचे शैलेंद्र कुमारी देवी पार्वती को भूत बामन आशुतोष चंद्रमौल शिव शंकर जी महाराज श्री राम कथा सुना रहे हैं। ये ज्ञान घाट है। एक बार और सुन लीजिए, कैलाश पर्वत के पन्नाग भाग में बट वृक्ष के नीचे शैलेंद्र कुमारी देवी पार्वती भूत बामन आशुतोष चंद्रमौल शिवशंकर जी महाराज श्री राम कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को। ये ज्ञान घाट है। श्री नीलगिरी पर्वत पर बट वृक्ष के नीचे पूज्यपाद आचार्य चरण भगवान श्री काकभुषुंड जी महाराज पक्षीराज श्री गरुड़ जी महाराज को श्री राम कथा सुना रहे हैं। ये भक्ति घाट है। श्री प्रयाग जी में त्रिवेणी के पवित्र तट पर गंगा जी के किनारे बट वृक्ष के नीचे जगदस्य वक्ता वल्कह सो जाग वल्कह परम ब्रह्मर्षि श्री जाग वल्कह जी महाराज महर्षि श्री भारद्वाज जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। ये कर्म घाट है। कभी श्री धाम अयोध्या में सरजू जी के तट पर, तो कभी काशी में गंगा जी के तट पर, तो कभी चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। कभी सरजू के किनारे अयोध्या में, तो कभी गंगा के किनारे काशी में, तो कभी मंदाकिनी के तट पर चित्रकूट में बाबा तुलसीदास जी अपने मन को या संतों को कथा सुना रहे हैं। ये शरणागति घाट है। आज वही कथा इस बिहार प्रांत के मधुबनी जिला अंतर्गत ननौर ग्राम के इस पवित्र भूमि के पवित्र अंगण में भगवती दुर्गा जी के मंदिर में आप सभी को बालक दास सुनाने जा रहे हैं। अब कथा कहां से प्रारंभ हो, बहुत बड़ा प्रश्न है। ज्ञान घाट से शुरू करो, कर्म घाट से, भक्ति घाट से, शरणागति घाट से, कहां से? तो आज जान लीजिए, कथा कर्म घाट से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है। दर्शन करें, मनुष्य योनि कर्म योनि है। कर्म करने का विधान मनुष्य योनि में है। कुत्ता बिल्ली लोमड़ी गधा सियार कीड़े मकोड़े ये सब कर्म नहीं कर पाएंगे। कर्म करने का विधान तो मानव को मिला। मनुष्य योनि कर्म योनि है, इसलिए कर्म घाट से हम लोग कथा प्रारंभ करते हैं। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग अति अनुरागा नहीं रा
कदम दया निधाना ता कस सम दम दया निधाना ता कस सम दम दया निधाना ता कस सम दम दया निधाना परमारत पत परम सुजाना परमारत पत श्री भारद्वाज जी महाराज प्रयाग में आश्रम बनवा के विराजमान। बहुत सुंदर सा प्रश्न यहां आएगा बिल्कुल ध्यानावस्था में, क्या भारद्वाज जी कहीं और जाते तो स्थान नहीं मिलता? अयोध्या, काशी, वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश, रामनाथ, जगन्नाथ, बद्री, केदारनाथ, बोलबम, महाकाल, त्र्यंबकेश्वर, तमाम कहीं भी चले जाते, लेकिन ये प्रयाग में क्यों गए? प्रयाग में जाने का कारण क्या है? प्रयाग में जाने का एक कारण है क्या? एक वर्ष में एक दिन ऐसा भी आता है कि जिस दिन सारे तीर्थ श्री प्रयाग जी में चले आते हैं। वो दिन कौन है? अगर सारे तीर्थों का भ्रमण करना हो तो बहुत दिन लग जाएंगे, हो सकता जिंदगी गुजर जाए तब भी पूरा ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा है कि उस दिन अगर प्रयाग में पहुंच जाइए तो सारे तीर्थों का दर्शन अवश्य हो जाएगा, सारे तीर्थ वहीं आ जाएंगे। माघ मकर गत रवि जब होई तो तीर्थ पति आव सब कोई। माघ मकर में उस समय सारे तीर्थ अयोध्या को छोड़कर, अयोध्या अयोध्या के राजा तीर्थराज प्रयाग नहीं है, सब लोगों का पाप धोते धोते जब तीर्थराज प्रयाग स्वयं काले हो जाते हैं तो चैत्र राम नवमी के दिन मेरे राम के जन्मोत्सव में वो प्रयागराज अयोध्या में आकर के सरयू मैया में स्नान करके पवित्र हो जाते हैं, है ना मां? माघ मकर गत रवि जब होई तो तीर्थ पति आव सब कोई। उस दिन सारे तीर्थ चले आते हैं, इसलिए महाराज जाकर के विराजमान हो गए श्री प्रयाग में। कौन? श्री भारद्वाज जी। और इनका स्वभाव कैसा है? कहे तापस सम दम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। सात विश्लेषण लगे हैं, परमार्थ पथ के सुजान पथिक हैं श्री भारद्वाज जी महाराज। त्रिवेणी का संगम है इसलिए वहां महाराज विराजमान है कि त्रिवेणी के संगम में एक बार में सबका दर्शन हो जाएगा, सबका स्पर्श हो जाएगा। और एक बार की बात है कि सारे संत महात्मा इनके आश्रम पे पधार रहे हैं। क्यों? उसका भी कारण है। एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि सयाश्रम न सिताए, सब मुनि सयाश्रम से भारी। एक बार की बात, सारे संत महात्मा पधार रहे हैं, मानस में एक बार का प्रयोग जहां भी हो गया वहां कोई न कोई घटना जरूर चालू है। श्री रामचरित मानस में 18 स्थान पर एक बार का प्रयोग हुआ है,
जैसे एक बार भर मकर नहाए सब मुनीस आसमन सिधाए, एक बार त्रेता जुगमाही शंभु गए कुंभज सिपाही, एक बार भूपत मन माही भय गला मोरे सुपनाई, एक बार जननी अनहवाए कर श्रृंगार पलना पौड़ाए, नारद त्रापदी ने एक बार कल्प एक तही लगी अवतारा, एक बार चुन कुसुम सुहाए निच कर भूषण राम बनाए, इत्यादि बहुत आया है। जहां एक बार शुरू हुआ घटना चल, एक बार सब ऋषि महात्मा पधार रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारद्वाज जी का आश्रम जो है ना, उसके लिए शब्द क्या लिखे जा रहे हैं जरा देखिए। दो कारण है भारद्वाज के आश्रम पे आने का, दो कारण। भारद्वाज आश्रम यति पावन अपरम रम्य मुनि परम भाव। भरद्वाज का आश्रम पवित्र नहीं है, अति पवित्र है और परम रमणीय है, मुनियों के मन को मोहने वाला है, ऐसा आश्रम है। और वहां होता क्या है जो आज कम हो रहा है? वहां क्या हो रहा है? ताहा होई मुनि ऋषय समाजा अजाहि जमाचन तीरथ राजा। उनके आश्रम पे संतों का महात्माओं का समाज इकट्ठा होता, जमावड़ा हो जाता है महाराज। सारे संत महात्मा लोग मिलकर के करते क्या है? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण होता है, संतों के आश्रम पे यही होना चाहिए। ब्रह्म निरूपण ये बाल कांड है, धर्म विधि ये अयोध्या कांड मीमांसा है, वर्ण तत्व विभाग इसमें चार चीज आ जाएगा। ब्रह्म निरूपण बाल कांड, धर्म विधि अयोध्या कांड यानी मीमांसा, वर्ण तत्व विभाग इसमें चार चीज हो गया। क्या? अरण्य कांड वैशेषिक, किष्किंधा कांड योग सीताराम, अरण्य कांड शांख, किष्किंधा कांड योग और सुंदर कांड वैशेषिक, लंका कांड न्याय, उत्तर कांड कहें भगति भगवंत कै संयुत ज्ञान विराग। उत्तर कांड में ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति का निरूपण है, एक दोहे में पूरा रामचरितमानस। भरद्वाज आश्रम अति पावन परम पवित्र, इसलिए सब लोग पार पधारे। एक महीने तक सत्संग हुआ है, एक महीने का कल्प बास लिए और खूब सत्संग हो रहा है। उसके बाद जब सब लोग उठकर चलने लगे, एक महीना सत्संग करने के बाद चलने लगे तो महाराज जागवल्क जी के चरणों को पकड़कर गिर गए। कौन? भारद्वाज जी महाराज। जागवल्क मुनि परम विवेकी, जागवल्क मुनि जागवल्क मुनि परम विवेकी, जागवल्क मुनि परम विवेकी, जागवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, चरणों में भारद्वाज जी साष्टांग दंडवत गिर गए। हमारे यहां सनातन धर्म में संतों के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में, विद्वानों ब्राह्मणों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का विधान बना है। साष्टांग दंडवत किसे कहते हैं? चरणों में साष्टांग दंडे की तरह पेट की तरफ से बिल्कुल सो जाइए, चरण छूना नहीं है, भी याद रहे चरण छूना नहीं है, चरणों में साष्टांग दंडोत सो जाइए और हमारा हाथ जिनको दंडोत कर रहे हैं उनके चरणों की तरफ पूरा फैलाइए
और उनके चरणों के नाखून से हमारे हाथ के नाखून में 8 अंगुल का अंतर होना चाहिए, छूना नहीं है। जब हम किसी ज्ञानी महापुरुष के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं तो विज्ञान पढ़ाने वाले पढ़ने वाले बैठे होंगे, सुन रहे होंगे कि पैर के नाखून से ऊर्जा प्रवाहित होती है, पैर के नाखून से ऊर्जा प्रवाहित होती है और हाथ का नाखून ऊर्जा को कैच करता है। जब हम किसी ज्ञानी पुरुष के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं तब उसके पैर के नाखून से उसका गुण उसकी विद्वता हमारे हाथ के नाखून के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करता है। लेकिन याद रखिएगा साष्टांग दंडवत महापुरुषों संतों विद्वानों के चरणों में करना चाहिए। अगर कुपात्र के चरणों में साष्टांग दंडवत करेंगे तो उसका दुर्गुण भी चला जाएगा। साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और साष्टांग दंडवत का यह भी विधान है कि जब गिर जाओ तो दंडा, जो दंड है दंडा लाठी सोटा जो भी समझ लीजिए, वो सजीव है कि निर्जीव? निर्जीव है। अगर गिर गया तो अपने आप उठेगा नहीं, यानी कि जिसके चरण में हम गिरे हो जब तक वो उठावे ना तब तक हम उठे ना, ये विधान प्रणाम करने का है। आज तो लोग चरण नहीं छूना चाहते हैं, चरण छुएंगे तो सोचेंगे झुकना पड़ेगा। चरण छुओ विद्वान का महापुरुष का तो आपका हाथ उसके चरण के नाखून तक पहुंचना चाहिए, न जाने अगर एको गुण प्रवेश कर गया तो आपकी कायाकल्प हो जाएगी। अब तो और चेंजिंग हो गई महाराज, साष्टांग दंडवत प्रणाम इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि इतने महंगे वस्त्र पहने हैं, लेट कर प्रणाम करेंगे तो मिट्टी लग जाएगी। नहीं प्यारे, संतों की धूल संतों के चरणों की रज की महिमा गाई गई है। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी दृग दोष विभंजन, अरे तहिकर विमल विवेक विलोचन तो वर्णो राम चरित भव मोचन। हम लोग प्रत्यक्ष उदाहरण उसके हैं। और ज्यादा बदलाव हो गया, लोग प्रणाम करने जाते हैं ना तो ऐसे हाथ बढ़ाते हैं, जंघे को छूकर प्रणाम करते हैं। ये जंघों घुटनों को छूकर प्रणाम करने का कौन सा विधान आ गया? अब तो और ज्यादा बदल गया, छूना ही नहीं चाहते हैं, ऐसे करीब पहुंचेंगे प्रणाम, छूना भी नहीं चाहते। नहीं गिरे हैं, जब तक जागबल्क जी ने उठाया नहीं तब तक उठे नहीं। जागबल्क जी ने उठाया, महाराज उठो बेटा, क्या बात है, क्यों गिरे हैं क्या? जैसे जागबल्क जी महाराज ब्रह्मर्षि हैं, भारद्वाज को जब उठाए तो नेत्रों से झरझर झरझर आंसू गिरे, गुरुदेव हमारे राम कुटिया में कुछ दिन तक और रहने की कृपा करें। अब लो एक महीना सत्संग सुनाए, कहे एक बार पुनः प्रवेश लेने की कृपा करें। अनुनय विनय कर रहे हैं गुरुदेव भगवान को, संगम के जल को छिड़कते हुए आगे आगे फिर से कुटिया में लेकर आए, और कुटिया में लेकर आए तब सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, सादर अगर आपके
के दरवाजे पर कोई महापुरुष संत विद्वान ब्राह्मण आ गया तो पहला स्वागत यह है कि आप आसन छोड़कर खड़े हो जाए, ये पहला स्वागत है। दूसरा स्वागत क्या है, आपके पास कुछ नहीं है तो एक गिलास पवित्र जल लेकर उनके सामने आइए। उसके बाद क्या स्वागत है, एक पवित्र आसन दीजिए बैठने के लिए। फिर स्वागत क्या है, महाराज न जाने आप कहां से आ रहे हैं, अगर भूखे प्यासे हैं तो जो ठाकुर जी ने मुझे दिया है आप उसका भोग लगावें, अगर सोपाकी हैं तो जो गोविंद ने मुझे राशन दिया है आप बनावें और पावें, भोग लगावें और जूठन प्रसाद हमको भी दें। इतना करिए, उसके बाद जब वो प्रसाद ग्रहण कर ले तो पवित्र आसन लगाइए महाराज, सुंदर सुखद विश्राम करें, और जब वो विश्राम करने लगे तो स्वयं अपने हाथ से चरण चापन करिए, चरणों को खूब दबाइए और चरण दबाते हुए रो करके अपना दुखड़ा सुनाइए, अरे महाराज क्या बात करते हैं, साध होते हो न कारजानी, काम जरूर आपका हो जाएगा। और यही भारद्वाज जी ने किया, चरणों को धोकर पी गए, चरण को धोकर के पी गए, चरणों का पूजन किए, कंदमूल फल इत्यादि भोग लगवाए और उसके बाद अति पुनीत आसन बैठा रहे, सुंदर पवित्र आसन दिए बैठने के लिए, फिर विश्राम करने के लिए आसन लगा दिए। और जब गुरुदेव विश्राम करने लगे तो भारद्वाज स्वयं जाकर चरणों का चापन करने लगे, दबा रहे पैर, चरण को जब दबा रहे भारद्वाज जी तो भारद्वाज जी रोने लगे। अब यहां रोने का मकसद क्या है, क्यों रो रहे हैं विज्ञान पढ़ने वाले या विज्ञान के आदरणीय लोग, प्रोफेसर साहब, आंख के आंसू में नमक का असर होता है, रोते रोते अगर कहीं आंसू जिह्वा पे पहुंच जाए तो पता चल जाएगा कि आंसू कैसा है। भारद्वाज जी इसलिए रो रहे हैं, दुखी होकर रो रहे हैं, सुख में अगर रोया जाए तो आंसू शीतल होते हैं और दुखी होकर रोइए तो हल्का सा आंसू गर्म रहता है। भारद्वाज जी दुखी होकर इसलिए रो रहे हैं कि ये मेरे गरम गरम नमकीन आंसू गुरुदेव के चरण कमल पर पड़ेंगे और ऊपर से मैं दबाऊंगा तो इनका थकान दूर हो जाएगा। क्योंकि लोग कहा करते हैं ना, जब कोई व्यक्ति बहुत कहीं से पैदल परिक्रमा करके आता है, पैर में सोलिंग हो जाती, सूजन हो जाती, लोग कहते नमक पानी गर्म करके धुलाई करो। भारद्वाज जी रो रहे हैं कि गर्म गर्म नमकीन आंसू गिरेंगे और हम दबाएंगे तो हमारे गुरुदेव का थकान दूर हो जाएगा। ये भाव आता था पहले, ये सरलता रहती थी पहले, ये प्रेम रहता था पहले, तब उसका फल मिलता था, विश्वासम फलम। जब नमकीन गर्म आंसू गुरुदेव के चरण पर गिरे तो जागवल्क जी बोल पड़े, बेटा रो रहे हो तो क्या बात, क्यों रो रहे हो, और रोने लगे, क्यों रो रहे हो, बात क्या है, गिर रहे हैं आंसू भगवान श्री कृष्ण की तरह। हाय सखा तुम पाए महादुख, आई इतन कित दिन खोए, अदेखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कर के करुणा निधि रोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे ही रो रहे भारद्वाज, उठकर बैठ गए जागदल्क जी, बेटा तुम रो रहे हो, बात क्या है, क्यों रो रहे हो, आओ, अरे बताओ तो सही, बात क्या है, बात पकड़ लिए, बस
पहले बताओ तुम रो क्यों रहे हो? बहुत जब पूछा, अब मिलान करिए एक बार। चौड़ों में साष्टांग दंडवत गिर गए, जब तक गुरुदेव नहीं उठाए तब तक उठे नहीं। उठे तो रोते हुए संगम का जल छिड़कते हुए गुरुदेव को कुटिया में लाए, चरण धोकर पी गए, चौड़ों का पूजन किए, कंदमूल फल इत्यादि का भोग लगाए, सुंदर आसन लगा दिए, विश्राम करने के लिए चरण दबा रहे हैं, रो रहे हैं। और जब गुरुदेव ने पूछा बात क्या है, क्यों रो रहे हो, तो पहला शब्द क्या निकला? अगर किसी से ज्ञान ग्रहण करना है, अगर किसी से विद्वता स्वीकार करनी है, अगर किसी से ज्ञान स्वीकार करना, तो उसे अपना क्या बनाना पड़ेगा? चेला। पहला शब्द भारद्वाज के मुख से क्या निकलने जा रहा, सुनिए। नाथ एक संसो बड़ मोरे करगत बीत तत्व सर तो। हे नाथ, नाथ तीन जगह पे प्रयोग होता है। नाथ शब्द का प्रयोग तीन स्थान पे होता है। या तो पत्नी अपने पति को नाथ कह सकती है, या तो शिष्य अपने गुरु को नाथ कह सकता है, या तो भक्त अपने भगवान को नाथ कह सकता है। परशुराम को भी श्री राम ने कहा था नाथ शंभु धन भंजनिहारा, लेकिन परशुराम की समझ नहीं आया। यहां तक कह दिया कि हे विप्रदेव, राम मात्र लघु नाम हमारा और परश सहित बड़ नाम तुम्हारा, तब भी समझ नहीं आया। नाथ शंभु धनो भंजनिहारा। अगर किसी को कोई नाथ कहता है तो कहने वाला दास अपने आप तुरंत बच जाता है, राम बन गए तुरंत। नाथ शंभु धनो भंजनिहारा, हे नाथ होई है को एक दास तुम्हारा। उसी प्रकार यहां भारद्वाज जी दास बन गए। नाथ एक संसो बड़ मोरे अकरगत बीत तत्व सो। हे नाथ मेरे जीवन में एक संशय, दू परिभाषा सुनिए। हे नाथ मेरे जीवन में एक संशय, नाथ माने हे नाथ, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे गुरुदेव, हे मेरे सब कुछ, मेरे जीवन में एक संशय है। और दूसरी परिभाषा, नाथ एक संशय उबड़ मोरे, हे नाथ मेरे जीवन में एक के बारे में संशय है। एक शब्द हिंदी नहीं है, व्याकरण है। एकम से एक निकला है, एकम ए धन कम बराबर एकम, ए माने विष्णु, कम माने जहां जाकर के सुख प्राप्त करते हैं उसे एक कहते हैं, अर्थात श्री राम जहां विष्णु भी जाकर सुख प्राप्त करते, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री राम नहीं है। कल के प्रसंग में आएगा, कल भगवान के जन्मोत्सव अवतार में हम लोग प्रवेश करेंगे तो कल के प्रसंग में आएगा। एकम से एक निकला, ए माने विष्णु, कम माने जहां जाकर आनंद सुख पाते हैं उसे एक कहते हैं, वो है राम। नकारे ब्रह्म राम अस्तु मकारे मात जानकी, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनाद अनुपा। एक के बारे में मुझे संशय है, और एक संशय लेकिन छोटा नहीं है, बड़। नाथ एक संशय बड़ मोरे, बड़ा संशय, क्योंकि एक छोटा नहीं है, एक तो बहुत बड़ा है। एको हम तीयो नास्ती, उससे बड़ा कोई है ये नहीं है, उसके बारे में मुझे संशय है। कहे बेटा खुलकर बोलो, बुझनी क्यों बुझा रहे हो? कहे हे गुरुदेव, आपने वेद के तत्व को जाना है, आपने वेद के तत्व को छाना है, कृपा करके मेरा संशय दूर करिए। जो एक के बारे में जो बहुत बड़ा है वो संशय दूर करिए। कहे ठीक है, बताओ क्या संशय है।
जैसे कहे बताओ क्या संशय है। देखिए क्या क्या भाव पहले के लोगों का था, इतना सब कुछ होने के बाद गुरु आज्ञा भी हो गई, बताओ क्या कहना चाहते हो, फिर भी नहीं हिम्मत पड़ी। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, कहत सो मोहि लागत भय लाजा। जन कहो बड़ कोई अताजा, जन कहो बड़ कोई अताजा, जन कहो बड़ कोई अताजा। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, कैसे कहूं डर और लज्जा दोनों लग रही। क्यों डर लग रही है? क्योंकि अष्टावक्र की सभा में याज्ञवल्क्य जी भी एक बार थे, जहां कोई बात पूछी गई और याज्ञवल्क्य जी ने देख लिया तो कोई अपमान करना चाहा तो उसका मस्तक फट गया तुरंत। इसलिए डर लग रही है कि ये वही याज्ञवल्क्य जी हैं जो महाराज जनक के भी प्रेरक हैं। याज्ञवल्क्य जी ने ही ये प्रेरणा दिया था हल चलाने के लिए, ये वही है। इसलिए डर लग रही है और लज्जा कि कहीं आप ये न सोचे, देखो इतना बड़ा विद्वान होकर के जिससे राम ने रास्ता पूछा, श्री पारब्रह्म परमेश्वर श्री राम जी ने भारद्वाज जी से रास्ता पूछते हैं, कहा नाथ हम के मग जाई, और ये इसलिए लज्जा भी लग रही है। अजो न कहूं बड़ो हो या काजा, अगर नहीं कहूंगा तो बड़ा अकाज हो रहा, बड़ी हानि हो रही है। कहे भारद्वाज बोलो क्या बात, क्या कहना चाहते, अब नहीं बताओगे तो मैं चला जाऊंगा, बेटा बताओ क्या संशय तुम्हारा है। तब दोनों हाथ जोड़ लिए, बड़े सावधानी से कहने जा रहे हैं, जो प्रश्न करने जा रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर सारे वेद पुराण उपनिषद शास्त्र रामचरितमानस वाल्मीकि भागवत द्वादश ग्रंथावली चाहे जहां जाइए अध्यात्म रामायण इत्यादि, बस यही एक प्रश्न तो है। यद्यपि तमाम प्रश्न भी करेंगे भारद्वाज, 15 प्रश्न सती करेंगी, 16 प्रश्न पार्वती करेंगी, निषादराज प्रश्न करेंगे, गरुड़ जी प्रश्न करेंगे, लेकिन मानस का सिद्धांत जब निकालेंगे तो प्रश्न एक है, ओनली फॉर वन, कौन जो भारद्वाज करने जा रहे हैं। हे गुरुदेव, कहे बोलो आगे गुरुदेव मत करो, क्या पूछना चाहते हो। कहे राम कवन प्रभु पूछो तो ही, राम कवन प्रभु पूछो तो ही, राम कवन प्रभु पूछो तो Yeah।
एक उस चौपाई का भाग, दोनों का मिलान निकालिए या दोनों को अलग अलग करिए। एक राम देश कुमार राम कौन है? बैठ गए और जैसे गुरुदेव चाहे कि बताओ राम कौन है, बस चेला राम अपने करें गुरुदेव, कहीं राम वो तो नहीं है। कहे कौन? देखो भारद्वाज संशय कैसे बढ़ा रहे हैं। कहे राम कहीं वो तो नहीं है। कहे कौन? कहे एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहे अपारा, भय रोष रावण मारा। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम, जिन्होंने अपनी भारिया के वियोग में रावण जैसे प्रतापी राजा का वध कर दिया, क्या राम वही है? जाग बल्क जी ने कहा, आप जानना चाहते हैं कि हमको एक एक बताना चाहते हैं? आपने पूछा राम कवन प्रभु, पूछो तो ही तो बताना मेरा काम है कि तुम्हारा काम है? तुम बैठो, हम बता रहे राम कौन है। कह अच्छा जी गुरु जी आप बताइए, हम बैठ के सुन रहे हैं। कह हाँ बेटा बैठो, हम बता रहे राम कौन है। अच्छा बैठ गए और जैसे बैठे आराम से गुरुदेव बताना चाहे, कहे गुरु जी एक सेकंड रुक जाइए। कहे अब क्या हुआ? कहे कहीं राम वो तो नहीं है। कहे अब कौन सा संशय मन में आ गया? अब यहां अभी चार संशय बताएंगे। राम का नाम जपने के लिए, राम के नाम का भजन करने के लिए शंकर जी का चार बार नामकरण होने जा रहा। जरा देखिए, भारद्वाज जी ने कहा गुरुदेव कहीं राम वो तो नहीं है। कहे कौन? कहे राम नाम शिव सुमिरन लागे
जानो सती जगत पति जावे राम नाम शिव सुमिरन लागे जानो सती जगत पति जावे राम नाम शिव सुमिरन लागे राम नाम शिव सुमिरन लागे जानो सती जगत पति जागे जानो सती जगत पति जागे जानो सती जगत पति हे गुरुदेव कहीं राम हो तो नहीं है दोषण से हो गया ना राम दशरथ नंदन श्री राम वो है अयोध्या वाले या कैलाश पर भगवान शिव जिस राम के नाम को जपते हैं राम वो है। अरे जागवल्क जी ने कहा इसका देखो अब तक तो कह रहा था राम कवन प्रो पूछो तो ही अब ये खुद ही बता रहा है कि दशरथ नंदन राम है कि जो शिव जी भज रहे राम वो है। कहे धन्य हो बेटा तुम्हारे जैसे चेला को पाकर हम भी धन्य हैं अब बैठ जाओ तुम बेटा हम बता रहे राम कौन है। कहे जी गुरु जी बैठ गए जैसे गुरु जी सोचे कि अब बताएं कहे गुरु जी एक सेकंड और रुक जाइए। कहे अब क्या हुआ कहे कहीं राम वो तो नहीं है कहे कौन महामंत्र जोई जपत महेशो 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 काशी मुकुट हे तू उपदेशो काशी मुकुट हे तू उपदेशो काशी मुकुट हे तू उपदेशो हे गुरुदेव कहीं राम वो तो नहीं है कहे कौन कहे काशी में भगवान जो विश्वनाथ हैं वहां महेश नाम पड़ा महामंत्र जो जपत महेशु महेश काशी में जिस महेश विश्वनाथ को लोग दर्शन करने जाते हैं वो महेश काशी में जिस राम के नाम को जपते हैं क्या राम हो है? अच्छा लोग कहते हैं काशी में मरने वालों की क्या हो जाती है मुक्ति कभी ये जाने कि वो मुक्ति देता कौन है शिव जी नहीं शिव जी नहीं देते हैं राम जी देते हैं यही तो है भक्ति महेश भक्ति कर रहे हैं महामंत्र महामंत्र कौन है महामंत्र श्री राम का नाम है महामंत्र जय जपत महेशु जिस महामंत्र राम का नाम महेश काशी में जप रहे हैं जिस राम का नाम तारक मंत्र को महेश जपते हैं जो काशी में मरता है वही मंत्रवा जपते हुए महेश जी उसके पास जाके उसके कान में वही मंत्रवा जप देते हैं राम का नाम बस उसकी मुक्ति हो जाती है वो राम के बल पर मुक्ति हो रही है। वाराणसी में जो आप लोग जानते हैं काशी में तीन नदी है वरुणा असी गंगा वरुणा और असी नदी के बीच की दूरी को वाराणसी कहते हैं तो कह राम हो गए। हे गुरुदेव दशरथ नंदन जो राम है राम वो है। अब शिव जी का चार नामकरण कैलाश पर शिव जी राम नाम शिव सुमिरन लागे जो शिव जी राम का नाम जप रहे राम वो है या महामंत्र जो जपत महेशु यहां महेश नाम पड़ गया ना राम वो है। अरे कहे हद कर दिया आपने बैठो तो सही तब तो बताओ राम कौन है। अच्छा गुरु जी ठीक है बैठ जाते हैं बैठे कहे अब बताइए गुरु जी अब बड़े प्रेम से हम बैठ रहे हैं कहे हाँ बेटा बैठो बता रहे बैठे जैसे बताने का प्रयास किए कहे गुरु जी एक सेकंड और रुक जाइए कहे अब क्या हुआ कहे कहीं राम वो तो नहीं है कहे कौन कहे संतत जपत शंभु अविनाशी संतत जपत शंभु अविनाशी संतत जपत शंभु
शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशी शिव भगवान ज्ञान गुण हे गुरुदेव कहीं राम हो तो नहीं है कहे कौन कहे शंभु जी सभी अविनाशी राम को जपते हैं। यहाँ कुछ लोगों को एक भ्रम होगा मैं यही तोड़ दू भ्रम अविनाशी शंभु को नहीं कहा गया है और शंभु अविनाशी हैं भी नहीं। अविनाशी कौन है राम आप कहेंगे कैसे सिद्ध होगा सायंकाल की स्तुति पढ़िएगा उसमें लाइन है मैं पढ़ रहा हूं राम जी के लिए लिखा गया शंकर जी खुद गा रहे हैं जय जय अविनाशी सब घट वासी व्यापक परमानंदा अधिगत गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा अधिगत गोपीतम अविनाशी कौन है श्री राम अगर अभी संसद जुड़ में हुआ हो तो मैं और ज्यादा इसको फाइनल कर दूं। जिस समय अगस्त के यहां से शंकर जी सती को लेकर चलते हैं कथा सुन करके तो तीन चौपाई गोस्वामी जी लिख रहे हैं मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी अचले भवन संग दक्ष कुमारी देही अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन है अवतारा पिता बचन तजी राजदासी पिता वचन तजरा जोदासी दंडक बन बिचत अविनाशी पिता वचन तजी राजदासी दंडक बन बिचत अविनाशी दंड प्रबल विचरत अविनाशी दंडक प्रबल विचरत दंडकारण्य में कौन विचरण कर रहा है भगवान श्री राम राम को अविनाशी कहा गया है। पिता बचन तजराज उदासी वेश में दंडक वन विचरत अविनाशी उस अविनाशी को सुमेरु पर्वत पर भज रहे हैं भगवान शंभु संतत जपत साधु अविनाशी संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशी गुरुदेव राम कौन है दशरथ नंदन राम वो है या राम नाम शिव सुमरन लागे राम हो है शंकर जी का एक नाम यहाँ हुआ शिव महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु जो महेश राम के नाम को जपते हैं राम हो है दो नाम हुआ शंकर का संतत जपत शंभु अविनाशी जिस अविनाशी राम के नाम को शंभु जपते हैं राम हो है तीन नाम शंकर का हुआ चौथा भी नामकरण हो गया। कहे बेटा अब तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हुआ कि अभी एक और पूछना है। कहे नहीं गुरु जी अब तो नहीं पूछना। अच्छा ठीक है बैठो अब हम बता ही देते हैं बैठे और जैसे श्री गणेश करना चाहे बस गुरुदेव एक सेकंड और रुक जाइए। कहे क्या कहे प्रभु सोई राम किया पर को ये जो मैंने चार लोगों का विवरण दिया दशरथ नंदन एक और तीन बार शिव जी का जो नाम आया शिव महेश शंभु इन्हीं चारों में से कोई राम है एक दशरथ और तीन ये शंकर जी का जो नाम हुआ इन्हीं चारों में से राम कोई राम है या कोई और है अपर प्रभु सोई राम की अपर को जाही जपत त्रिपुरा
कोई और राम तो नहीं जिसको भगवान त्रिपुरारी जपते हैं। त्रिपुरारी का दो अर्थ, एक त्रिपुरारी माने शिव, एक त्रिपुरारी माने त्रिगुणातीत, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भजते हैं। हरि माने बताऊंगा, जहां हरि शब्द गुणातीत होगा पूरे मानस में हमारे आचार्य गण बैठे हैं, सभी विप्र मंडली आचार्य श्री के चरण कमलों में दास का दंडवत प्रणाम, आचार्य गण बैठे हैं। हरि शब्द श्री रामचरित मानस में जहां भी त्रिगुणातीत आएगा, ब्रह्मा और शंकर के साथ हरि शब्द आएगा, वहां हरि माने विष्णु होगा, लेकिन जहां हरि शब्द गुणातीत स्वतंत्र आएगा, वहां हरि माने पार ब्रह्म परमेश्वर श्री राम होगा। यहां पूछ रहे प्रभु सोई राम किया पर को जाहि जपत त्रिपुरार सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। विवेक से विचार करके बताइए राम को। कहे बेटा अब बताएं, कहे बुरा न मानिए तो एक बात औरो कह दे, कहे वो भी कह दो, कहे जैसे मिटई गुरु बाबा, जैसे मिटई मोर भ्रम भारी कहो सो कथा नाथ विस्तारी। जैसे मिटई मोर भ्रम भारी कहो सो कथा नाथ विस्तारी। कहो सो कथा नाथ बोलना मत बीच, बैठो अब। अब मैं बता रहा हूं, अब मैं बता रहा हूं तुम्हें राम कौन है। हाँ गुरु जी बताइए, इन्होंने प्रश्न क्या है ये राम के बारे में पूछे ना। कहे सुनो मैं बता रहा हूं, कहो सो मति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद भयो समय जही हे तो जही सुन मुनि मिति विषाद। तुम ही नहीं अरे यस संशय जब कीन्ह भवानी, अस संशय जब कीन्ह भवानी, अस संशय जब कीन्ह भवानी, अस संशय राम कथा सुनाने जा रहा हूं। तात सुनो सा दर्मन लाई, 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 कहो राम राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोरत रही जही पाना, संत चकोरत रही जही पाना, महामोह मही शेषो राम कथा।
सुनो, अब हम आपको राम कथा सुना रहे हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सभी लोग राम कथा कली का मतकाई, सुज सजीवन मूर सुहाई, राम कथा कली का मतकाई, सुज सजीवन मूर सुहाई, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल सभी भंजन, बुद्ध वीर राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल सभी भंजन। तेरा परिवार रथ बन जाए, तेरा परिवार रथ बन जाए, श्री भरत के जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सच किरण समाना, संत चकोर करै जय पाना, राम कथा सच किरण समाना, संत चकोर करै जय पाना, मोह मै शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, महामोह मै शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। सुनकर तू भी अमर हो जाए, हनुमान जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। भारद्वाज जी राम के बारे में पूछे और याज्ञवल्क्य जी उनको क्या सुना रहे हैं। भारद्वाज, सुनो मैं आपको राम कथा सुनाने जा रहा हूं, लेकिन राम कथा सुनाए नहीं, क्या सुनाए, शिव कथा सुनाए। क्यों? भारद्वाज जी को पात्र मानिए, राम कथा अमृत है, उड़ेलने वाले याज्ञवल्क्य जी हैं, तो अमृत को उड़ेलने से पहले पात्र को देख लेना चाहिए। जैसे हमारे आचार्यगण बैठे हैं, कलश जब मिट्टी का मंगवाया जाता है और उसमें गंगा जल रखने से पहले साधारण पानी डालकर देख लिया जाता, कोई छिद्र तो नहीं है, कहीं गंगा जल गिर ना जाए। तो उसी प्रकार भारद्वाज रूपी कलश को टेस्ट किया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है कि इसमें अमृत डालें, उससे पहले ये देख लें कहीं इसमें छिद्र तो नहीं है, अमृत कहीं गिर ना जाए। तो भारद्वाज रूपी कलश में राम कथा रूपी अमृत को उड़ेलने से पहले शिव कथा रूपी गंगा जल डाल करके चेक किया जाएगा कि ये राम कथा सुनने के काबिल हैं
या नहीं है, इसीलिए तुरंत सुनाना शुरू कर दिए। एक बार त्रेता युग माए, एक बार त्रेता युग माए, शंभु गए को भजर सिपाही, शंभु गए को भजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, किसी तो गे अकेले स्वर जानी, तो गे किसी अकेले स्वर महाराज। एक बार फिर आ गया, देखिए एक बार की बात है, त्रेता युग में भगवान शंभु सती को लेकर अगस्त जी के यहां गए। यही से भक्ति घटित होगी शंकर जी के जीवन में। अब भक्ति का मिलान करें, उसके बाद आरती कैसे। पहली भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संत का संग किया जाए, चाहे जितना ज्ञान हो, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, लेकिन उसको संत का संग करना चाहिए। इसलिए शंकर जी ने भगवान श्री राम की पहली भक्ति को ग्रहण किया, संत के पास पहुंचे, अगस्त जैसे संत के पास जा रहे हैं। एक बार त्रेता युग मारी, असंभु गए को भजरी सिपाही। साधारण संत नहीं है, समुद्र के जल को चुल्लू में रख के एक बार में कहे ओम के सवाय नमः, जय सियाराम। सागर के जल को चुल्लू में रख कर एक बार आचमनी ले लिए तो प्यास लग जाएगी, तब कहां से जल आएगा। जिसको आचमनी करने के लिए सागर का जल चाहिए और उसको प्यास लग जाए तब कहां से जल आएगा। वो तो भगवान कन्हैया ने जब इंद्र कोप करके पूरे सृष्टि को डुबोना चाहे तो गोवर्धन को धारण किए, कहे अगस्त बाबा, कहे क्या बात है कन्हैया, कहे हम जल पिलाना चाहते हैं। गोवर्धन को करवट किए, हल्का सा तिरछा कर दिए, वो जल गिराते गए, अगस्त जी ग्रहण करते गए। सियावर रामचंद्र की जय, वही अगस्त है। ऐसे संत के पास जा रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। इसलिए कह रघुपति सुन भामिनि बाता, कह रघुपति सुन भामिनि बाता, संस्कृत
साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी सब कर फल हरि भगति भवानी। बोली भक्ति मैया की। शंकर जी के जीवन में पहली भक्ति घटित होने जा रही है, संत का संग किए और इनका पूजन होने जा रहा है और भगवान महेश का पूजन आरती अगस्त जी करने जा रहे हैं, तो ऐसे मौके पे हम लोग भी उनका पूजन और आरती करें। बोलिए महादेव भगवान की, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम महाराज की, बोलिए श्री दुर्गे मैया की, बोलिए श्री गजानन भगवान की। आइए हम सब खड़े होकर बड़े प्रेम से भगवान की आरती करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, और श्री रामायण जी तीरथ करी ललित सिया आरति श्री रामायण तीरथ करी ललित सिया आरति श्री रामायण तीरथ करी ललित सियपी करत श्री रामायण जी के तीरथ करित ललित सियपी कावत ब्रह्मा ब्रह्मि नारद बाली के सुख सन का संत शंभु भवानी अर्वत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि परिचय बतानी
रामचंद्र भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो माता की रक्षा हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अनंत कोटि वैष्णों की जय हो। दावनों द्वारों की जय हो। चारों अखाड़ों की जय हो। रसैया पुजारी की जय हो। कुठरिया भंडारी की जय हो। श्री राम कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। श्री राम कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। श्री जानकी मैया की जय हो। सभी कथा श्रोताओं की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सबकी मंगल कामना करते हुए बाड़ी को श्री सीता रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करते हैं। पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, पर सो के तो क्यों सोचे। पल का नहीं ठिकाना, पर सो के तो क्यों सोचे। पल का राघवेंद्र सरकार की ये हो। आइए, व्यास भगवान का आगमन हो चुका है। श्री गुरु चरण सरोज रज रज मन मुकुर सुधा, वरनो रघुवर विमल श्री जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर।
राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरुण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ व्रज ध्वजा विराज कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे राम चंद्र के काज सवारे लाइस जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सुर लाए रघुपति की नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही संभाए सहस वदन तुम्हरो यश गावे अस कहि श्री पति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित यही सा यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को विधि कहि सके कहाँ ते कार सुग्रीव ही की राम मिलाए राजपद दीना तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल धिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत नयज्ञ बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारहु आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जग नाम सुनावे नाश रोग हरे सब पीरा जगत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम राय सिर ताजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोए अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता यस वरदीन जानकी माता राम रसायन तुम्हरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्राम अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुनिए हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटई बंदी महा सुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय मह डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप सियावर रामचंद्र जी की जय श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणीविनायकौ श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणम भव राम राम लोकाभिराम मरण रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशीनाथम कारुण रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम
वाता दुजं वानरयूत मुखं श्रीराम दूतं शरणं कृपदे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए ठाकुर जी की आरती, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आदिति श्री रामायण जी की कीरत कली तर ललित से अपीकी आदिति श्री रामायण जी की कीरत कली तर ललित से अपीकी आदिति श्री रामायण जी की कीरत कली ललित सी अपीकी आरती श्रीरा भावत प्रेम भातिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान सन कादि शिष्य सारद वरनी पवन सुत कीरतनी आरति श्रीरा मायन जी की कीरत कली ललित सी अपीकी आरति श्रीरा गावत वेद पुराने सब शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुन जन धन सन तन को सर बसे सारे अंश सम मत सब आदत श्री राम मायन जी की कीरत कली आवत संतत शंभु भवानी अर्भट संभव से आदि कवि परिज बखानी काग भुसुंदी गरुड़ के ललित सी अपीकी कलिमल हरनी विसरस सुबह श्रृंगार मुक्ति दलन रोग भव मोरी कमी की तात मात सब विधि तुलसी आरत श्री मायन जी की कीरत करी ललित सी अपीकी आरत श्री मायन जी की कीरत करी ललित सी अपीकी कीरत करीत ललित सी अपीकी कीरत करीत ललित सी अपीकी बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम
नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सभी लोग जय घोष करें। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की मैया की जय हो। श्री सरस्वती मैया की जय हो। श्री गणेश भगवान की जय हो। लोकाभिरामं हरण राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जिते धीमतां बलिष्ठं वातात्मजं वानरजूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि। आदि भवानी शारदे जय जगदम्बे
मात इस बालक की बिनती सुनो जय जग जननी मां विनय अवरक्षा करिया सुरपे बैठो मासारदे राखो अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरणों की वंदना करता बालक दास गुरु मेरे आशीष दो पूरण होए कथारसिक हनुमान प्रभु अवद्रव दया के धाम आप सभी को इस बालक दास की जय श्री सीताराम सीताराम राम राम राजा राम 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 ये मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ यजीर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ यजीर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई दीन दयाल वीर गोसम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी दीन दयाल वीर गोसम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी जेहि विधि नाथ हो हित मोरा करौ तो वेगी दास मैं तोरा जेहि विधि नाथ हो हित मोरा करहु सुवेगी दास मैं तोरा सीताराम राम राम राजा राम राम
राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगदात्मा परम पिता परमात्मा कारण करुणा बरौड़ा ले सच्चिदानंद घन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका जगत जननी जगदम्मा मैथिली माता जानकी जी तथा उन्हीं के कृपा पात्र अंजन तनय प्रबंधन नंदन श्री पवन पुत्र हनुमंत लाल जी महाराज प्रातस्मरणित वंदनीय अर्चनी महिमा महामंडित परम पूजनीय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव चरण कमल एवं मातृ पितृ चरण कमल परम पूजनीय नित्य वंदनीय अर्चनी महिमा महामंडित इस महायज्ञ के श्री यज्ञाचार्य जी महाराज सभी जागृत विद्वान विप्र मंडली संत समाज तथा दूर देश से आए हुए भगवत पादार विंदानुवागी कथा प्रेमी सज्जन वृंद श्रद्धा मई माताए शक्ति स्वरूपा बहने तथा देश की भावी कड़धारणों निहाल प्यारे बच्चों परम आदरणीय परम श्रद्धेय पिता के तुल्य इस महान कार्य के निमित्त बनने वाले श्री वटोही झा साहब आपके सुपुत्र परम भगवान के भक्ति में लीन रहने वाले साधना में जीवन व्यतीत कर रहे आदरणीय श्री रमन झा साहब हमारे बाबूजी आदरणीय श्री सत्यनारायण झा साहब हमारे साथ इस श्री राम कथा रूपी नैया में सवार होकर साथ दे रहे हमारे सभी संगीत के कलाकार भैया लोग एवं हमारे गुरु भाई श्री शिव शंकर जी आदरणीय श्री ब्रजदेव सिंह जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी भगवत भक्तजन भगवान की महती कृपा से इस मानव जीवन में शुभ अवसर प्राप्त होते हैं जब हम लोग सामूहिक रूप से बैठ करके स्वस्थ चित्त मन से भगवान के चरित्र का गुणानुवाद करें भगवान के पतित पावन कथा का स्वादन करें भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लें ऐसा सुनहरा अवसर हमें और आप लोगों को इस बिहार प्रांत में मधुबनी जिला अंतर्गत ननौर ग्राम के इस पवित्र भूमि के पवित्रांगण में भगवती श्री जगदम्बा मैया दुर्गा जी के श्री चरण कमलों में बैठ करके श्री रामचरित मानस के अंतर्गत मानस भक्ति नामक बिंदु को केंद्र बना करके श्री राम कथा सुनने को प्राप्त हुआ है। इसलिए ही मेरी कथा श्रोता प्रेमियों आइए ये जो सुंदर समय मिला है इसका सदुपयोग करते हुए श्री रामचरित मानस के चंद्र पंक्तियों पर विचार किया जाए चिंतन किया जाए मंथन किया जाए जिससे हमारे जीवन का कल्याण मार्ग प्रशस्त होता। सबाहि मातो पितो गुरु समझानी करहि विनय सा दर
सज्जन अब मोरी दिठाई सुनी है बाल बचन मन लाई जो बालक के तो तेरी बाता सुनही मुदित मन पितु अरु माता निज जन जानी शनि है समेता बैठे शांत होई सुन हो सचेता बैठे शांत होई सुन हो सचेता राम कृपा ते मिलहिं अस हम सब कह सत्संग सावधान होई सुन हो अब श्रीमानस कथा प्रसंग हो सावधान होई सुन हो अब श्रीमानस कथा प्रसंग बोली सियावर रामचंद्र भगवान की हो। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की हो। उमापति महादेव की हो। श्री राधावर कृष्ण चंद्र की हो। श्री लड्डू गोपाल भगवान की हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यहाँ पर उपस्थित सभी माता पिता भाई बहन गुरु विद्वान संत ब्राह्मण एवं शुभार्थी चैनल के माध्यम से पूरे संसार में जितने लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं देख रहे हैं सभी माता पिता भाई बहन गुरु विद्वान संत ब्राह्मण को हमारी तरफ से सादर प्रणाम जय सियाराम। आइए मानस भक्ति रघुपति सुनो भामिनी भग
भगति करनाता, भगति करत बिनु जत मानस जी में श्री राघवेंद्र सरकार मैया शबरी के सामने, मैया शबरी के समक्ष नौ प्रकार की भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। ये नौ प्रकार की जो भक्ति है हमारे जीवन में बड़ी सुखदायिनी, इतनी सुखदायिनी है कि
कि भगति करत बिनु जतन प्रयासा संसृत मूल अविद्या नासा। संसार में आवागमन का जो मूल कारण अविद्या है उसका सहज ही नाश हो जाता है भगवान की भक्ति मात्र करने से। इसलिए ये भक्ति माता शिवरी के सामने प्रभु श्री राम सुना रहे हैं। जिसको हम लोग नव भक्ति माता पार्वती के रूप में भगवान शिव जी ग्रहण कर रहे हैं, इसको हम लोगों ने कल सुना। जब नव भक्ति या पार्वती को नव भक्ति के रूप में भगवान महादेव ने ग्रहण किया तो अब उसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। वास्तव में भक्ति हृदय की मांग है। एक भक्त भगवान की भक्ति करता है तो उसके हृदय की चाह है परमात्मा का दर्शन हो, और जो दर्शन के लिए व्यग्र हो मुझे लगता है कि उनसे दर्शन की बात नहीं करना चाहिए, फिलॉसफी की बात नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक दर्शन हृदय की मांग है और एक दर्शन फिलॉसफी है। जैसे कोई व्यक्ति घर से निकले, अब वो पानी के प्यास से व्याकुल है, पानी की खोज में निकला, प्यास से मरा जा रहा है, रास्ते में कोई मिला प्यासा व्यक्ति, उससे पूछा भैया पानी कहां मिलेगा, पानी कहां मिलेगा, तो उसने कहा पानी पानी ढूंढ रहे हो, कहे हाँ हमको पानी चाहिए प्यास, कहे पानी ढूंढ रहे हो, पानी पूरी पृथ्वी ही पानी में टिकी है, जहां खोदो वहीं पानी, चारों तरफ बारिश हो रही पानी है पानी, बात व्यंग नहीं है, बात भी सत्य है, 2/3 पृथ्वी पे पानी है, 1/4 तो पृथ्वी, लेकिन क्या इससे उसकी प्यास बुझी, वो तो पानी मांग रहा पीने के लिए, प्यासा है, और जो पानी का ज्ञान दे रहा हो ज्ञानी है, वो कह रहा तुम पानी ढूंढ रहे हो, अभी अपना मत्था पीटा बेचारा आगे बढ़ा, इनसे कौन, जैसे कल हमारे आज हमारे रमन साहब गाड़ी में कहे कौन बहस करे, आगे बढ़ा कोई दूसरा मिला, उसने कहा भैया पानी कहां मिलेगा, अब वो और बड़ा ज्ञानी हमारे आदरणीय श्री सत्यनारायण जी की तरह रहा होगा, और बड़ा ज्ञानी, कहे पानी कहां मिलेगा, उसने कहा हद कर दी पानी ढूंढ रहे हो तुम, अरे पानी ढूंढ रहे हो, कहे हां, कहे पानी तो तत्व रूप से तुम्हारे शरीर में विराजमान, अब ले चित जल पावक गगन समीर, पानी तो तत्व रूप से तुम्हारे अंदर विराजमान, जो तुम्हारे अंदर है उसे तुम बाहर ढूंढते हो, अब तो और मत्था पीटा, ये कौन मिल गए, या इसको ऐसे समझ ले जैसे किसी की गाड़ी के चक्के की हवा निकल गई। हमारे श्री जगन्नाथ भगवान गाड़ी के चक्के की हवा निकल गई, अब ये ढूंढ रहे दुकान कहां हवा मिलेगी, कोई मिला कहे भैया हवा कहां मिलेगी, उसने कहा हवा ढूंढ रहे हो, अरे हवा में ही तुम खड़े हो, हवा ढूंढ रहे हो, अब ये कहे लगता है ये व्यक्ति कुछ दिमाग से ढीला है, आगे बढ़े कोई और मिला उससे पूछे भैया हवा कहां मिलेगी, अब वो और बड़ा ज्ञानी, अरे कहे हवा ढूंढ रहे हो तुम, जिस दिन हवा नहीं रहेगी तुम्हारा पता नहीं चलेगा, जिस दिन हवा निकल गई तुम्हारी ना तो तुम मुझसे बात कर पाओगे, हवा में ही तुम खड़े हो, ये नाक से मुख से अंदर बाहर आ रही है जा रही है,
हवा तो तुम्हारे अंदर विराजमान है, चित जल पावक गगन समीर, समीर माने पवन, हवा तो तत्व रूप से तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर हो तुम बाहर खोज रहे हो। अच्छा बात व्यंग नहीं है, 100% सत्य है, लेकिन क्या इससे गाड़ी चलने वाली है? नहीं। अब हवा क्या है? निराकार। गाड़ी का चक्का क्या है? साकार। जब कोई व्यक्ति बतावे वहां जाइए वहां दुकान है, वहां कोई व्यक्ति मोटर लगाया है, मोटर है साकार, मोटर का पाइप भी है साकार, गाड़ी का चक्का भी है साकार, लेकिन हवा है निराकार। जब कोई साकार व्यक्ति साकार मोटर से साकार पाइप के द्वारा साकार गाड़ी के चक्के में निराकार हवा को डालेगा तब जाकर गाड़ी चलेगी, उससे पहले चलने वाली। यही बात लोमस जी समझा रहे, काय भूषण जी खंडन कर रहे। बात लोमस जी कहे, मूर्ख मैं तुझे इतना उच्च कोटि का ज्ञान बता रहा हूं, ब्रह्म का उपदेश दे रहा हूं और तू बार बार खंडन कर रहा है। उत्तर प्रति उत्तर भगवान बार बार तू खंडन कर रहा है। क्रोध आ गया, सपक्ष हो पक्षी चंडाल, जाओ चंडाल कौआ हो जाओ। कागुसुंड जी हाथ जोड़ दी, बड़ा कृपा किया आपने। तो मुनि जी ने पूछा, तुझे मैंने चांडाल बना दिया, कौवा बना दिया, और उसके बाद भी तू मुझे प्रणाम करे, यही भक्ति है, ये भक्ति है। सोचो कि गुरुदेव ने चांडाल कौवा बना दिया, उसके बाद भी शिष्य प्रणाम कर रहे हैं। आवाज आज कस के डांट दीजिए तेजी से, सीताराम नहीं, कह आपने कहे मैंने कृपा क्या किया जब तुझे कौवा बना दिया। भूसुंडी जी ने कहा, मानव रहता तो महाराज दशरथ के यहां पहुंचता अयोध्या में, भगवान जब अवतार लेते तो दुनिया की परमिशन लेना पड़ता, एक आध बार भले मिल पाता भगवान से, पतन मिल पाता कि नहीं, लेकिन आपने कौवा बनाकर बड़ी कृपा किया, आसमान के रास्ते से आकाश के रास्ते से सीधे आंगन में पहुंचूंगा, राजमहल में किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, जहां आंगन में बैठ के दूध भात चांदी के कटोरी में खाएंगे हम डायरेक्ट वहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए हे गुरुदेव आप जो ज्ञान दे रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं, बहुत उत्तम कोट की भक्ति आप बता रहे हैं, लेकिन एक बात मेरी सुनिए, कहे क्या? भरी लोचन दिलो की अवधेशा, लोचन दिलो की अवधेशा, हरी लोचन बिलो की अवधेशा, हरी लोचन दिलो की अवधेशा, तप सुनी हो निरगुण उपदेशा, तप सुनी हो निरगुण उपदेशा, तप सुनी हो निरगुण उपदेशा, तप सुनी हो निरगुण उपदेशा। एक बार राघव सरकार का दर्शन हो जाए तो फिर आपका ज्ञान स्वीकार है, और राघव सरकार आज हम लोगों को भी दर्शन देंगे। तो नव भक्ति में पहली भक्ति कौन है? पहली भक्ति कौन है? नव भक्ति कल मैंने सुनाया था ना, रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता, नवधा भगति कहूं तो ही पाही सावधान, सुनो धर्म
हर मन माय। नौ भक्ति भगवान बता रहे हैं। अब नौ भक्ति पार्वती मैया पार्वती नौ भक्ति का स्वरूप बनती हैं और वो नौ भक्ति को ग्रहण करते हैं शिव जी। यद्यपि नवधा भक्ति का नाम लेते ही सेवरी का नाम अपने आप मन में आ जाता है, लेकिन मेरे प्यारे नवधा भक्ति को शिव जी ने ग्रहण किया। अब प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, चलिए किया जाए। तो पहली भक्ति कौन है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। शरीर के मन कथा प्रसंगा। शरीर के मन कथा प्रसंगा। ये दो भक्ति आई है शिव जी के ऊपर, हम लोग प्रैक्टिकल करें। शिव जी ने कैसे इसको प्रैक्टिकल किया? तो पहले भक्ति में आइए और कल की कथा अपने आप जुड़ जाएगी। पहली भक्ति क्या है? संत का संग करना। खूब संत का संग करना चाहिए। और जब तक संत का संग नहीं होगा तब तक सत्संग नहीं होगा, और जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक भगवान की कथा कहां मिलेगी? कथा तो संतों के पास। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संत का संग करना। तो शिव जी ने पहली भक्ति धारण किया। एक बार त्रे ताजुग माही। एक बार त्रे ताजुग माही। बार रे आजोग माही। शंभु गए को भज सिपाही। शंभु गए को भज सिपाही। शंभु गए को भज सिपाही। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। जननी भवानी। पूजे ऋषि अति स्वर जानी। पूजे ऋषि अति स्वर जानी। पहली भक्ति ग्रहण किया शिव जी ने प्रैक्टिकल, संत का संग किया। शिव जी से बड़ा मानस का कोई वक्ता भी नहीं है और शिव जी से बड़ा मानस का कोई श्रोता भी नहीं है। लेकिन धन्य है महादेव अपने श्री राम। श्री राम महादेव के क्या लगते हैं जानते हैं नहीं जानते हैं? सोई मम इष्ट देवर भूमिरा। शिव जी के इष्ट श्री राम है। इष्ट देव मम बालक रामा। अपने इष्ट की भक्ति को ग्रहण करने के लिए पहली भक्ति का प्रैक्टिकल किए, संत के पास गए। ऐसे तैसे संत नहीं। हमारे गुरुदेव तो महाराज दहाड़ के बोलते हैं। अस्पष्ट वक्ता, अस्पष्ट बोलने वाला निडर होकर इस समय भारत में पूज्यपाद मेरे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। अस्पष्ट कहते हैं अगर भगवान की कथा श्रवण करना है तो सामर्थवान सामर्थवान ब्राह्मण संत से भगवान की कथा सुननी चाहिए। अगर सामर्थवान ब्राह्मण संत से विभीषण जी मिले न होते तो क्या राम को पाते? सामर्थवान ब्राह्मण संत कौन है? ब्राह्मण बनकर कौन संत बनकर गया था? अब मोहि भाव
रोष हनुमंता अबिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर हनुमान जैसा सामर्थवान ब्राह्मण संत विभीषण को ना मिलते तो क्या विभीषण राम को प्राप्त कर पाते? नहीं। इसलिए संतन के संग लागरे तेरी बिगड़ी बनेगी, 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 बिगड़ी बनेगी तेरी सबरी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी सबरी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी सबरी बनेगी, संतन के संग लागरे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागरे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागरे तेरी बिगड़ी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, जेके बन गई प्रहलाद जी बन गई, गणिता के खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, गणिता में खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, सबरी की बन गई अहिल्या की बन गई, सबरी की बन गई अहिल्या की बन गई, सबरी की बन गई अहिल्या की बन गई, केवट के खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, केवट के खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, सुग्रीव की बन गई विभीषण की बन गई, सुग्रीव की बन गई विभीषण की बन गई, सुग्रीव की बन गई विभीषण की बन गई, हनुमत के खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, हनुमत के खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, तुलसी की बन गई कबीरा की बन गई, 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 राम भद्राचार के भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, भद्राचार जी के भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग 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 रे तेरी बिगड़ी बने, तेरी बिगड़ी बने, तेरी बिगड़ी बने। पहली भक्ति भगवान शिव ने ग्रहण किया, प्रथम भगति संतन कर संगा,
इसलिए श्री शिव जी कहां पहुंचे? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए गुंबजरी सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। महाराज संत के पास पहुंचे, कौन? श्री भगवान शंभु अपनी पत्नी को लेकर। अगर पत्नी अपने पतिदेव के साथ कथा श्रवण करने के लिए घर से निकल जाए तो उसको जगत माता कहते हैं, उसका पद जगत माता का हो जाए। खाली कथा श्रवण करने के लिए घर से निकल पड़े, अब कथा सुनेगी कि नहीं उसकी बात नहीं अभी है, अपने पति के साथ कथा सुनने के लिए घर से निकल पड़े वो जगत माता है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। श्री अगस्त जी ने सती के समेत भगवान शंभु का पूजन किया, स्वागत किया, वंदन किया, आसन दिया विराजमान होने के लिए। कहे भगवान, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि सेवक सदन स्वामी आगमनु, अगर सेवक के घर स्वामी का आगमन हो जाए तो जान लीजिए उसके जीवन का सारा प्रयास खत्म, सारा पाप खत्म। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, फिर भी मैं जानना चाहता हूं प्रभु आपको चलकर आना पड़ा मेरे यहां, आप आज्ञा किए होते हम दौड़े दौड़े आपके यहां चले आए, आपको आना पड़ा। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु के यहां जाना चाहिए। राम जी कौन है? ज्ञान अखंड एक सीता है, राम जी अखंड ज्ञान है और उन्हें प्राप्त करने के लिए महाराज श्री दशरथ को वशिष्ठ जी के यहां पैदल चलकर जाना पड़ा। गुरु गृह गया तुरत महिपाला चरण लागी कर विनय विशाला। श्री दशरथ जी को चलकर जाना पड़ा राम जी से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरुदेव के यहां तक जाना चाहिए। यहां भगवान शिव भगवान श्री राम की कथा श्रवण करने के लिए अपनी पत्नी को लेकर के अगस्त जी के यहां गए। कहे विप्रदेव, हमारे सती के समेत हमको श्री राम कथा सुनाइए। अरे अगस्त जी कहिए, क्या कह दिया आप, ये नहीं हो पाए, ये नहीं हो पाए। क्यों? कि उसका एक कारण है, रची महेश निज मानस राखा अपाई सो समय शिवसन भाखा। हे गुरुदेव, आप तो स्वयं मानस के रचयिता हैं, मानस को आप ही ने लिखा, सुंदर समय पा करके थोड़ा सा पार्वती को आपने सुनाया है, हम आपको राम कथा सुनाएं, ये हो पाए? असंभव है, मैं आपको राम कथा नहीं सुना पाऊंगा। भगवान शिव ने तीन शर्त रखी। शिव जी ने कहा, विप्रदेव अगर आप मुझको अपने से बड़ा मानते हैं, बहुत गंभीरता से सुनिएगा इसको, हे विप्रदेव अगर आप मुझको अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, बड़ा मानते हैं,
तो फिर हमारी आज्ञा है कि श्री राम कथा प्रारंभ करो। अगर हमको अपने से बड़ा नहीं मानते हैं, अपने बराबर मानते हैं, अपने समतुल्य मानते हैं, तो हम मित्र की तरह सलाह दे रहे हैं कि राम कथा सुनाइए ना। और अगर अपने बराबर भी नहीं मान रहे हैं, अपने से छोटा मानते हैं, बस धड़ाम से भगवान गुरु पद पंकज सेवा, गिर गए चरणों में। हे गुरुदेव, नेत्र भर गए शिव जी के, आपके श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी पत्नी के समेत हमको श्री राम कथा सुनाने की कृपा करें। अब भाव बदल गया। तीसरा पॉइंट, अरे तब तक तो अगस्त जी पकड़ लिए हाथ, क्या कह दिया आप मुझसे छोटे नहीं हैं, आप मेरे बराबर भी नहीं हैं। हे विश्वनाथ, मैं आपके सामने दीपक भी नहीं हूं, आप तो करोड़ों सूर्य हैं, आप मुझसे बहुत श्रेष्ठ हैं, इसलिए आपकी कृपा शिरोधार्य है। ठीक है, आपकी यही आज्ञा है तो स्वीकार, हम आपको राम कथा सुनाने के लिए तैयार हैं। लग गया आसन महाराज, श्रोता बनकर बैठे हैं। कौन लोग? दो लोग। अब जो लोग कल सुने हैं, ध्यान दीजिएगा, भारद्वाज जी ने क्या पूछा था? राम कवन प्रभु पूछो तो ही, अकही बुझाई कृपाई मोही। याज्ञवल्क्य जी कह भी रहे हैं कि हम आपको राम कथा सुना रहे हैं। तात सुनो सादर मन लाई, कहूं राम के कथा सुहाई। मैं आपको राम कथा सुनाने जा रहा कहूं सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संभार, अभय समय जही हे तु जही, सुन मुनि मिटी। हम आपको राम कथा सुनाए, लेकिन राम कथा नहीं सुनाए, शिव कथा सुनाए। भारद्वाज की परीक्षा हो गई, सोच लीजिए कि भारद्वाज जैसे संत का परीक्षण हो रहा कथा सुनाने के लिए। तो आज के लोग जो कर रहे हैं उसका प्रायश्चित कहां जाएगा? थोड़ा कहना ज्यादा समझना, प्रमाणित हो गए। ठीक है भगवान, हम कथा आपको सुना रहे हैं। हे प्रभु, सुनिए, हम आपको राम कथा श्रवण करा रहे हैं। अब ये याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को शिव कथा सुनाना शुरू कर दी, परीक्षा शुरू हो गई। और जब तक शिव कथा कह के सती जी का दक्ष के यज्ञ में जाकर के भस्म होना और पार्वती के रूप में जब तक उनका जन्म नहीं होगा, और भगवान शिव पार्वती को जब ज्ञान घाट पे कथा सुनाएंगे तब न ज्ञान का अवतार होगा। अभी तो हम लोग कर्म घाट पे। सुनिए प्रभु, हम आपको श्री राम कथा श्रवण करा रहे हैं। और राम कथा को प्रारंभ कर दिया। राम कथा मुनि बर जब खानी, 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 राम कथा बर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख। दूसरी भक्ति को स्वीकार कर लिया। दूसर भक्ति मम कथा प्रसंगा, ये दूसरी भक्ति है ना, तो सुनी महेश परम सुख मानी।
राम कथा में रति हो गई महाराज, और जब राम कथा में डूबे तो फिर लीन हो गए। कितना सुख मिला परम, परम के बाद कोई शब्द नहीं मिलता, कहे परम सुख मान। लेकिन कथवा कौन रही, कौन सी कथा सुना रहे हैं, कहे भगवान हे महादेव एक बार की बात है, कहे क्या, कहे मृग बधि बंधु सहित हरिया रे, मृग बधि बंधु सहित हरिया, मृग बधि बंधु सहित हरिया रे, सहित आश्रम देखी, आश्रम देखी नयन जल छाए, सहित कथा कौन सुनाए शंकर जी को, मामला गड़बड़ हो गया। कहे प्रभु मृगारूपी मारीच का बढ़ करके श्री राम जी छोटे भाई अनुज के सहित लक्ष्मण के सहित गोदावरी के तट पर जब आए, जैसे लक्ष्मण को देखा श्री राम ने कहे लखन ये क्या कर दिया, जनक सुता परिहर हो अकेली आय पाप बचन मम, मेरे वचन का उल्लंघन आप यहां कैसे, लक्ष्मण कुछ गड़बड़ है। मृग बधि बंधु सहित हरियाए तो आश्रम देखी नयन जल छाए, मृगारूपी मारीच का बढ़ करके छोटे भाई के सहित श्री राम जी जब गोदावरी के तट पर अपने आश्रम पे आए तो गोदावरी के तट पर आश्रम जानकी भी था, रो रहे हैं। शिव जी ने पूछा मेरे प्रभु रो क्यों रहे हैं, अगस्त जी से पूछे विप्रदेव मेरे प्रभु श्री राम रो क्यों रहे हैं, कहे आश्रम में जानकी नहीं है इसीलिए रो रहे हैं, बनवा में रो रघुराई हो, अरे बनवा में रो रघुराई हो, हमारे शिया हम से बिछड़ गए, बनवा में रो रघुराई हो, हमारे शिया हम से बिछड़ गए, 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 हमार सिया हम से बिछड़ गए, हमार सिया हम से बिछड़ गए, पूछे
पहाड़ों से पूछे नदियों से पूछे पहाड़ों से पूछे हो देता हम का बताइयो का बताई हो हमार सिया से बिछड़ी गए बुराई हो हमार सिया से बिछड़ी गए जी ने बताया प्रभु श्री राम जी रो रहे हैं जानकी बहीन है आश्रम आश्रम में जानकी नहीं है क्या हुआ मेरी माँ कहाँ है शंकर जी ने कहा विप्रदेव मेरी माँ कहाँ है कहे हरण हो गया क्या मेरी माँ का हरण हो गया हाँ भगवान जल्दी बताइए किसने हरण किया कथा कितना लीन से सुनना चाहिए सुनिए शंकर जी को कथा सुना रहे हैं अगस्त जी कहे जानकी का हरण हो गया कहे जल्दी बताइए हरण करने वाला कौन है भुजाएं फरक गई त्रिशूल की तरफ पकड़ लिए त्रिशूल कहे नाम बताइए मेरे प्रभु मेरे इष्ट को रोना पड़ रहा है मेरी माँ का हरण किसने किया कहे कोई और नहीं आप ही का कृपा पात्र चेला है कहे कौन कहे दशानन जानकी का हरण कर लिया दशानन जानकी को लेकर जा रहा है जानकी विलाप कर रही है बचाओ 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 अरे शंकर जी त्रिशूल लेके दौड़े दौड़े शंकर जी बचाने के लिए अगस्त जी ने हाथ पकड़ लिया प्रभु कहां कहे करोड़ों ब्रह्मांड में आज रावण होगा मैं मार दूंगा कहे क्यों कहे मेरी माँ का हरण कर लिया कहे कहाँ हरण हुआ कहे आप ही ने तो बताया है कहे हम तो कथा सुना रहे यहाँ हरण थोड़ी हुआ हम तो कथा सुना रहे हैं आपको इतना लीन होकर कथा सुनना चाहिए इतना लीन होकर कथा सुनना चाहिए कि बिल्कुल उसी में डूब जाए शंकर जी ने कहा विप्रदेव कथा बंद करिए विश्राम दे दीजिए कहे क्यों कहे अब हम कथा नहीं सुन पाए एक काम करिए कहे कुछ सुन लीजिए और कहे ना 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 बस हो गया अब हम नहीं सुन पाए अपनी माँ को बिलखते हुए और अपने प्रभु को रोते हुए हम सुन नहीं पाएंगे कहे काम करिए आप अपनी रक्षणा बता दीजिए अब बड़ी अच्छी बात आई है रमन जी शंकर जी ने कहा अपनी दक्षिणा बता दीजिए इस तरह से अगर कोई पूछे कि अपनी दक्षिणा बता दीजिए तब तो आनंद ही आनंद आ जाएगा शंकर जी ने कहा आप दक्षिणा बता दीजिए बस अगस्त जी को मौका मिल गया मांगना मांगने के लिए मौका मिल गया प्रभु आप दक्षिणा देंगे हाँ यहां एक बात और बताएं यहां ये तो हम बस छू करके आगे निकल रहे हैं यहां अगस्त जी ने भगवान शंकर को मानस के 84 प्रसंग सुनाए एक दो नहीं हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने इसे लिखा भी है और मानस के 84 प्रसंग की कथा भी उनकी कभी मौका मिला तो मानस के 84 प्रसंग सुनाएंगे जो अगस्त जी ने भगवान शिव को सुनाया है मानस के 84 प्रसंग सुनाए और धन्य है कथा श्रोता भगवान शिव एक एक प्रसंग के बदले में एक एक दक्षिणा दिए पीछे नहीं हटे हैं कथा श्रोता का ये भी नियम है घबराइएगा मत आप लोग प्रेम से सुनिए आदरणी हमारे परम श्रद्धेय बाबूजी तो बैठे हैं ना तो देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है जिस बालक दास जैसे बेटे के ऊपर आदरणी बटे ही घास जैसे पिता का हाथ हो जाए तो फिर हमें किस बात की चिंता है हमें चिंता नहीं उनकी उन्हें चिंता हमारी है और हमारे जीवन के रक्षक उनके रूप में सुदर्शन चक्रधारी है तो भगवान शंकर ने कहा अपनी दक्षिणा बता दीजिए
अगस्त जी ने कहा प्रभु बहुत दिन से इंतजार कर रहा, बहुत दिन से कथा कह रहा था, लेकिन कोई आज तक ये नहीं पूछा कि आपको दक्षिणा क्या चाहिए। बहुत दिन से हम भी इंतजार कर रहे हैं, कोई पूछने वाला, लेकिन दक्षिणा का भाव मांगने वाले को भी सोच समझ कर मांगना चाहिए। कल के प्रसंग जब आएगा, मांगने आएंगे विश्वामित्र राम जी को, तब वहां बताएंगे। मांगने वाले को सोच समझ कर मांगना चाहिए और देने वाले को पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर भगवान ने दिया है तो अपना हृदय गवाही देगा कि हम पीछे हट गए हैं या नहीं। ऐसा दान की बड़ी महिमा बताई गई है और दान सुपात्र को ही देना चाहिए। अगस्त जी से पूछे आप दक्षिणा बताएं क्या दे दें, अगस्त जी के नेत्र भर गए और लगातार दो तीन चौपाई बोलते चले गए, हे प्रभु पहले मेरी बात सुन लीजिए, दक्षिणा तब दीजिए। कहे क्या? कहे श्री राम जी कह रहे हैं शिव पद कमल जिन्हें रति नाही, शिव पद कमल जिन्हें रति नाही, शिव पद कमल जिन्हें रति नाही, राम हिते सत न सोहाई, राम हिते सत न सोहाई, राम हिते सत न सोहाई, राम हिते सत न कमलों में जिसका प्रेम नहीं होगा वो राम की भक्ति नहीं पाएगा। बिना छल कपट के जो विश्वनाथ से प्रेम करता है यह राम भक्त का लक्षण है। और राम ने कहा है कि जिसके ऊपर पुरारी जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक कोई राम की भक्ति नहीं पा सकता। कहे आप कहना क्या चाहते हैं? कहे अगर मैंने सच्चे मन से आपको कथा श्रवण कराया है तो मैं मांग रहा हूं महादेव मुझको राम की भक्ति दक्षिणा में दे दीजिए। क्या बात, मांग लिया। 84 प्रसंग सुनाया था, भक्ति यहां भी सिद्ध हो रही है। 84 प्रसंग सुनाया था श्री अगस्त जी ने भगवान शंकर को, तो शंकर जी ने
व्याकरण में जो भक्ति के 84 सूत्र हैं, एक एक प्रसंग के बदले में भक्ति के एक एक सूत्र को दक्षिणा में दे दिया। अर्थात भक्ति के 84 सूत्र अगस्त जी को दक्षिणा दे दिए। इस प्रकार दक्षिणा मांग रहे हैं। ऋषि पोथी हरि भगति सुहाई, शंभु अधिकारी पाई, कहे शंभु अधिकारी पाई, कहे शंभु अधिकारी पाई। यहाँ महाराज भगवान शिव भक्ति को दक्षिणा में दे रहे हैं। यहां भगवान शिव भक्ति को दक्षिणा में दे रहे हैं।